रोमन रेंस का इस साल हो सकता है हील टर्न, केन ने करी डेनियल ब्रायन की तारीफ और एरिक रोवन के पिंजरे में क्या जानेगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 से 6 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कवर करने से पहले दोस्तों बात करी थी एक बोनस न्यूज की जो कि जुड़ी हुई है सेरा लोगन से। तो आज सेरा लोगन को हमने देखा कि शार्लोट फ्लेयर के साथ वो एक मैच का पार्ट थी, लेकिन मैच से पहले ही शार्लोट फ्लेयर ने उनकी धुनाई कर दी। जहां दोस्तों पहले तो सेरा लोगन ने खूब अटैक किया, लेकिन उसके बाद जो शार्लोट फ्लेयर ने पिटाई की वो काफी शर्मसार करने वाली थी। सेरा लोगन को दोस्तों इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे लगने लगा है कि वो जल्द रिटायर हो सकती है। तो इस ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं, यहां दोस्तों ये चीज लिख रही है कि वो रेसलिंग से ऊब चुकी है, आई एम डन विद रेसलिंग, ऐसा कुछ कहना है उनका। अब वो सीएम पंक जैसा बनना चाह रही है या फिर वाकई में वो रिटायरमेंट ले लेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन गाइस यहां काफी फ्रस्ट्रेटेड है वो, ये चीज तो पक्की है। और गाइस अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी न्यूज के ऊपर। तो गाइस दूसरी न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मॉन्स्टर केन से। तो आप जानते हैं केन जो है वो एक जगह के मेयर है यूएस के अंदर, नॉक्स काउंटी में भी उस जगह का नाम है, और वहाँ दोस्तों वो एज ए पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं। लेकिन हाल में दोस्तों उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर तारीफ कर दी डेनियल ब्रायन की। उन्होंने ये चीज़ कही कि डेनियल ब्रायन और मेरी जोड़ी काफ़ी बेहतरीन थी। आप जानते हैं टीम हेल नो एक ऐसी टीम थी जो कि काफ़ी कूल थी। यहाँ दोस्तों केन ये चीज़ बताते हैं कि उस टीम में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा डेनियल ब्रायन से, और डेनियल ब्रायन ने मेरे कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। आप जानते हैं कि 1999 में जब केन आया था तो उस वक्त लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते थे, और अर्ली 20s तक उससे लोग डरते ही रहे। लेकिन जब केन और डेनियल ब्रायन की जोड़ी बनी तो लोगों को पता चला कि केन एक कूल पर्सोना भी हो सकता है, और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहां दोस्तों उन्होंने डेनियल ब्रायन को मिस करने की भी बात कही, और हम भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं टीम हेल नो, वाकई में दोस्तों एक मज़ेदार टीम थी। होप करते हैं इन फ्यूचर ये टीम फिर से एक साथ हो जाए और हमें एंटरटेन करे। और गाइस अब हम चलते हैं तीसरी बड़ी न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस तीसरी बड़ी न्यूज़ नहीं है, बेसिकली ये एक स्पेकुलेशन है जो कि जुड़ी हुई है एरिक रोवन से। एरिक रोवन के पिंजरे में क्या है, एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार मुझसे पूछा गया है, और शायद से इसका जवाब आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। लोग ही नहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते हैं कि आखिर उस पिंजरे के अंदर क्या है। मैं खुद नहीं जानता उस पिंजरे के अंदर क्या है, लेकिन दोस्तों मुझे एक जीव लगता है जो कि दोस्तों हो सकता है उस पिंजरे के अंदर, उसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज दोस्तों मोजो राउली से रॉ के खत्म होने के बाद पूछा गया कि आपने वो थिंग देखी, आप बताइए वो क्या है, जिस पर दोस्तों मोजो राउली ने ये चीज बताई कि नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है, लेकिन वो श्योर है इस बात को लेकर कि एरिक रोवन के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उनके साथ गलत है। तो एरिक रोवन को दोस्तों वो साइकोपाथ बता रहे हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए उस जॉबर की जिसने वो थिंग देखी थी, तो भाग खड़ा हुआ। मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर है एक छिपकली, इसके अंदर एक लेजार्ड है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हवा में तीर मार रहे हैं आप, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो लेजार्ड होती है उसे हमेशा एक पिंजरे में कैरी किया जाता है, जैसे कि दोस्तों एरिक रोवन कर रहे हैं। और आज दोस्तों हमें एक संकेत मिला WWE की तरफ से, जब उस व्यक्ति ने यानी कि जो जॉबर था उसने जब पिंजरे में देखने की कोशिश की तो उसकी आँखें ऊपर एक पिचकारी सी पड़ी लाल की कलर की, और वो वहाँ से भाग खड़वा। वो लाल सा कलर दोस्तों एक स्पेशल तरीके की लिजार्ड फेंकती है जिसे दोस्तों कहा जाता है ब्लड स्क्वर्टिंग लिजार्ड, जो कि काफ़ी वियर्ड होती है और काफ़ी रेयर होती है। वो दोस्तों एरिक रोवन को WWE वालों ने पकड़ा दिया है और एक तरीके का दोस्तों उन्हें गिमिक दे दिया है। आज से पहले दोस्तों आपने देखा होगा जेक द स्नेक रॉबर्ट्स भी एक सांप लेकर आया करते थे अपने झोले में, सेम थिंग दोस्तों एरिक रोवन के साथ है ऐसा मुझे लगता है। अब गाइस आपको क्या लगता है वो कमेंट करके मुझे बताएगा ज़रूर, और अगर आपको मेरी स्पेकुलेशन अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर दबाइएगा। अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है रॉ के ऑफ एयर जाने से। तो आज रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद दोस्तों हमें एक डार्क मैच देखने को मिला जो कि था बेकी लिंच एंड शार्लोट फ्लेयर वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के मध्य। यहां दोस्तों टैग टाइटल दाव के ऊपर थे, काफी ज्यादा दबाव था, और इस मैच के अंदर दोस्तों काबुकी वॉरियर्स ने अपना बदला ले लिया, आस्का ने अपना बदला ले लिया और अपना टाइटल भी रिटेन किया, और वहां बेकी लिंच को भी धूल चटा दी। तो ये मैच मैंने आपको बताया था कि देखने को मिल सकता है मेन शो के अंदर, क्योंकि ये पहले से एडवर्टाइज किया गया था। हालांकि इसे नहीं रखा गया मेन शो में और शो के बाद देखने को मिला। वेल आस्का और बेकी लिंच की जो राइवलरी हो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। पर गाइस अब हम चलते हैं आज के अपनी मेन न्यूज के ऊपर। तो गाइस मेन न्यूज जो आज के हमारी जुड़ी हुई है
वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से, जो कि साल 2020 के खत्म होने से पहले ले सकते हैं हील टर्न। तो इसके पीछे का रीजन दोस्तों काफी बड़ा है। तो आप जानते हैं इससे पहले काफी ज्यादा रूमर्स चले थे कि रोमन रेंस फिंड ब्रे वाइट को फेस करेंगे रेसलमेनिया 36 में, जिसके बाद खबर यह आती कि रूमर्स में वाकई में दम है और ये थिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। तो गाइज मान लेते हैं कि रोमन रेंस नंबर वन कंटेंडर बन गए रेसलमेनिया में, फाइट है मेन इवेंट के अंदर, रोमन रेंस फिंड को फेस कर रहे हैं और काफी बढ़िया मैच हो रहा है। खुदा ना खास्ता वही सिनारियो हो गया जो कि आज से 2-1 साल पहले हुआ था, जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस में ऑड्स रोमन रेंस के पक्ष में थे, लेकिन रोमन रेंस उस रेसलमेनिया में हार जाते हैं। सेम यहां हो जाता है तो रोमन रेंस एक हील में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं फिंड ब्रे वाइट जिस जिस रेसलर को हराए हैं वो इवेंचुअली हील में कन्वर्ट हो गया। हमने पहले देखा कि फिन बैलर हील में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस के साथ भी सेम कहानी दोहराई गई, एओपी के साथ वो जुड़ जाते हैं, हील में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद द मिज के साथ भी सेम सिनारियो होता है। द मिज जब अपना मैच हार जाते हैं तो अब स्मैकडाउन के अंदर वो भी हील के जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और सेम कहानी दोस्तों रोमन रेंस के साथ अप्लाई हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद इस चीज को मानती है कि फिंड ब्रे वाइट से जो जो हारा, जो जो उनसे लड़कर हारा दोस्तों, वो बदल सा गया, उसके कैरेक्टर में एक बड़ा चेंज आ गया। यहाँ रोमन रेंस के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर वो रेसलमेनिया 36 में हार जाते हैं तो। भगवान से यहाँ प्रार्थना कीजिएगा कि रोमन रेंस अगर रेसलमेनिया में उतरते हैं फिंड के खिलाफ तो वहाँ वो मैच ना हारे, वरना आपको साल के अंत से पहले एक हील स्वरूप देखने को मिलेगा रोमन रेंस का। अब गाइस क्या आप रोमन रेंस को हील में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं? बेसिकली दोस्तों मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या आप रोमन रेंस को जीतता हुआ देखना चाहते हैं रेसलमेनिया में या फिर हारता हुआ? कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। बढ़ गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक लेना ही, धन्यवाद, शब खैर।